गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? सुबह का टाइम है और घर के तो काम हो गए हैं, तो आज ना मैंने दो साड़ियाँ निकाली हैं, मैं पहन के देखूंगी। और प्रेगनेंसी से पहले पहनती थी तो पता नहीं अब आएंगी या नहीं आएंगी, चलो फिर भी ट्राई करके देख लेंगे। तो ये देख लीजिए, मैंने दो कलर निकाले हैं और ये बहुत ही सस्ती सस्ती साड़ियाँ हैं। एक है 850 की और एक है 700 की। मतलब सस्ती इसलिए कि मतलब ऐसा नहीं कि 4,000 की हो, 5,000 की हो, 2,000 की हो, बहुत सस्ती सी हैं। तो देखते हैं, मतलब सिंपल सी साड़ियों में भी अच्छे लग सकते हैं, है ना? तो चलिए तैयार होते हैं। साड़ी तो मैंने पहन ली है, ये देख लीजिए। ठीक है, करें थोड़ा सा मेकअप वेकअप। सबसे पहले कानों में पहन ले रही हूँ मैं। गले में भी पहन लेते हैं। और आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखिए आप, मैं उस दिन दुकान से आईलाइनर खरीद के लाई थी, मिल ही नहीं रहा था, इतना ढूंढा नहीं मिला। और अब देखो, ऐसा हमेशा होता है मेरे साथ कि जब तक चीज ढूंढते रहो नाम नहीं मिलती, और जब नई ले आते हैं ना तब मिल जाती है। अब मैं आराम से बैठ के मेकअप करूंगी, आराम से बैठ के। ये रहा, थोड़ा ज्यादा लग गया। अभी इसको लगा के ये इसमें रखती हूँ मैं। अब जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो निकाल देते हैं, वरना ओवर हो जाएगा ना। ये देखिए, लग रहा है फर्क? ये हो गया। अब पाउडर लगा लिया ना चेहरे पर, अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। पहले नीचे वाले होंठ से ऊपर लगाते हैं, ये देखिए। ठीक है, लगी ना। इसके बाद हम लगाते हैं थोड़ा सा काजल। लगा लूं? काजल लगाने के बाद अब हम लगाएंगे आईलाइनर। आप कहोगे मैंने क्रीम तो लगाई ही नहीं, तो बात ये है ना कि जो क्रीम है ना मेरे पास है नहीं। ठीक है, वो बच्चे वाली क्रीम लगाती थी ना, वो पता नहीं कहाँ, शायद वो ख़त्म हो गई है। वो यूज़ करते हैं ना बच्चे के, लगाते हैं, तो मैं आईलाइनर लगा देती हूँ। मैं शीशे में देख के लगाऊंगी आईलाइनर, मुझसे ना कैमरे में देख कर नहीं लग पाएगा। ठीक है, वैसे आई शेडो पहले लगाते हैं, पर आज मैंने लगा लिया आईलाइनर। ठीक है, लगा लिया ना। अब मैं थोड़ा सा आई शेडो भी लगा लेती हूँ। अरे वाह, दूसरी आईज के ऊपर भी लगा लेते हैं। लगा लिया ना। अब हम क्या रह गया बताओ बताओ, बिंदी बिंदी रहेगी ना, ये छोटी वाली बिंदी लगाते हैं हम बिल्कुल ही। एक निकाली थी, तीन निकल गई। ये छोटी वाली बिंदी लगा ली है। तो ये मेरा देख लीजिए मेकअप, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इतना ही अच्छा लगता है। तो चलिए थोड़ा सा हेयर स्टाइल करते हैं, फिर आपको लुक दिखाती हूँ साड़ी की। एक मिनट, मैं उठती हूँ। ठीक है, पजामी के ऊपर ही पहन ली साड़ी।
मेरे को ना पेटीकोट में ही पहननी थी। चलो कोई बात नहीं, अब तो पहन ली। दूसरी साड़ी मैं पेटीकोट में ही पहन लूंगी। सेट नहीं बैठती, पेटीकोट में सही रहती है, क्योंकि पजामी लूज हो जाती है ना, पेटीकोट एकदम टाइट हो जाता है। सेट कर रही हूँ। ये देख लीजिए, अब मेरी थोड़ी सी मिनट, आज तो जुगाड़ू साड़ी पहनी है। दूसरी सही से पहनती हूँ, पजामे के ऊपर नहीं सेट बैठती। तो ये मेरी देख लीजिए साड़ी की लुक है। एक से ढक के भी दिखा देती हूँ आपको। दूसरी वाली प्रॉपर ढंग से पहनूंगी इसमें। ये देखिए, ये मेरी साड़ी की लुक है, मेरी पहली साड़ी है। ठीक है, चलो अब दूसरी पहनते हैं। ये वाली साड़ी सही से पहनी गई है मेरे से। अब ये वाली का देख लीजिए आप। ये देखिए नीले रंग की साड़ी है मेरी, और इसको मैं थोड़ा ठीक करके अच्छा से पल्लू लूँ भी थोड़ा सा सेट करके दिखाती हूँ। तो एक मिनट, इसका ये डिज़ाइन नहीं आ रहा ना सामने। एक मिनट, हाँ अब आ रहा है। एक सेकेंड, जैसे ये हल्की साड़ी है बहुत, तो ये अच्छी लगती है। ऐसी ऐसी हल्की हल्की साड़ियाँ भी होनी चाहिए ना आपके पास पहनने के लिए। तो ये देख लीजिए इस साड़ी की प्रॉपर लुक है ना। चलो इसमें तो मैं अपने बालों का हेयर स्टाइल भी करके दिखा देती हूँ, खुले बाल भी दिखा दूंगी इस साड़ी में। तो एक मिनट, आ गया ना लुक। अब देख लीजिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आ जाती हूँ रोशनी में ना, ताकि आपको ढंग से दिख जाए। ये है मेरा साड़ी लुक, ये देखिए। और पूरे प्रोडक्ट तो है नहीं मेरे पास मेकअप के, तो मेकअप में मैंने बस आंखों का मेकअप किया है और लिप्स का किया है, और फेस पे बस वो फेस पाउडर लगाया है। क्रीम थी नहीं मेरे पास ना, फाउंडेशन है, कंसीलर भी नहीं है, वो भी नहीं है, रूज बोलते हैं उसको, वो भी नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, मस्कारा भी नहीं है मेरे पास। चीज़ें तो कुछ भी नहीं है, तो जो है उसी से ही कर लेती हूँ। मैं कहा चलो कोई नहीं, जितना है उससे करके तो दिखाऊँ ना, एक मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाऊँ। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, बोलती एक साड़ी में अच्छी सी ना मतलब तैयार होके एक वीडियो जरूर डालना। तो ये लीजिए। पहले तो मम्मी के लिए चाय बना रही थी, बस एक कप बना रही हूँ, फिर करते हैं बात। ठीक है, बस थोड़ी सी मिनट मुझे दीजिए, फटाफट बना देती हूँ। चाय तो कुछ नहीं है, बस चीनी पत्ती, पानी गरम पहले, लेकिन पानी ढंग से गरम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिना गरम पानी में डाल दिया, तो काफी देर हो गई थी चाय को। अब हम इसमें डाल देते हैं। अब ये चाय थोड़ी सी पक जाएगी, है ना। इलायची वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ अभी, मैं नॉर्मल चाय बना रही हूँ, जैसे घर में नहीं बनती है। तो कोई बाहर वगैरह से आता है बंदा, या कभी स्पेशल बनानी हो, तब अदरक इलायची वगैरह डाल देते हैं, वरना तो हमारे तो यहाँ नॉर्मल चाय और में ना चीनी पत्ती बस यही डलती है। दूध भी थोड़ा ही डालते हैं, थोड़ी काली चाय पसंद करते हैं। तो बस तैयार होने वाली है, इसमें उबाल आ रहा है। मम्मी को चाय बना के दे दूँ। गरम है भाई, मैं तो चाय नहीं पीती, मुझे चाय पसंद नहीं है। मुझे कॉफी बहुत पसंद है, मुझे कोल्ड कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है। और मैं कल परसों सोच भी रही थी पीने की, आज याद आ गई, तो शायद आज मैं जरूर पी लूँ। तो चलो मैं मम्मी को चाय देकर आती हूँ। मैं ना आज आप सबको अपनी रैंप वॉक दिखाती हूँ, ठीक है। रैंप वॉक करके, आप कहते हो ना मॉडलिंग में ट्राई करो, तो चलो आज मैं मॉडलिंग वाली रैंप वॉक करके दिखाती हूँ, ठीक है।
चलिए। ये मेरी खुले बालों में रैंप वॉक है। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तो चप्पल पहन रखी है। चलो देखते हैं। आपको मेरी रैंप वॉक कैसी लग रही है आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? ट्राई तो करके देख सकते हैं ना। चलिए मैं थोड़ी सीरियस होके करती हूँ। चलिए काफ़ी देर हो गई है हमें मस्ती मारते हुए, तो अब घर की तरफ चलते हैं। चलो घर चलते हैं। जी घर आ गई हूँ और अब आते ही मेरा काम है, मुझे साड़ी चेंज करके अपने नॉर्मल कुर्ती पजामे में आना है। और आज दिन में मैं अपनी एक सब्सक्राइबर से मिलने जा रही हूँ, कोई इतनी दूर से 6 घंटे का सफ़र तय करके मुझसे मिलने आ रही है, तो मैं तो ज़रूर जाऊँगी ना मिलने के लिए। तो अभी विहान बाबू तो सो रहा है, उसे तो मैं वीडियो में नहीं ला सकती। मैं फटाफट कपड़े बदल लूँ, मेरे से सुहाते नहीं है, मेरे से बैठा नहीं जाता ऐसे कपड़ों में। तो अपना ध्यान रखिए, और अगर आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।